मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें खा सकती हूँ, और इस लिफ्ट में मैं 50 साल से रहती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ रोज। मुझे पता है कि तुम 205 अपार्टमेंट में रहते हो और तुम्हारी वाइफ भी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। मुझे तो तुमसे डर नहीं लग रहा है। मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम मुझे तो भूत नहीं लगती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इस तरीके से करने से मैं तुमसे डर जाऊंगा? पर हाँ, मुझे तुमसे ये ज़रूर पूछना है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 205 अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरी वाइफ भी है? हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। पर बताओ कि तुम यहाँ कब से रहती हो? और मुझे तो पहले कभी नहीं दिखी यहाँ। तुम्हें भूख लगी है तो बिल्कुल मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम भी मुझसे नहीं डरे ना? मुझसे कोई नहीं डरता। मैं सबको डराने की पूरी कोशिश करती हूँ पर कोई मुझसे डरता ही नहीं। और मैं सच में एक चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ पिछले 50 साल से रह रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और वो भी बहुत भूखे हैं। तुम्हें पता है मेरा क्या खाने का मन है? मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है। मेरे 2 बच्चों ने भी मुझसे आज बोला था कि मम्मी आज आप पिज़्ज़ा लेकर आना। मैं पिज़्ज़ा की तलाश में हर लिफ्ट में जा गई पर किसी ने मुझे पिज़्ज़ा लाकर नहीं दिया। क्या तुम मुझे पिज़्ज़ा लाकर दोगे? और तुम्हें पता है मेरा पति भूत, वो भी बहुत बीमार है। वो भूत भूख से बहुत परेशान है। वो भी मेरे साथ सारी लिफ्ट में घूमता था खाने की तलाश में, और आजकल उसको भूख से बहुत पेट दर्द है और वो लेट गया घर जाकर। इसीलिए मुझे अकेले ही खाने की खोज करनी पड़ रही है। मैं सबको डराती हूँ ताकि कोई मुझे डरकर मदद करे, पर मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। ओह, मुझे सुनकर बुरा लगा कि तुम इतनी भूखी हो। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, तुम्हारा नाम पिंकी है। हाँ पिंकी चुड़ैल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं। मैं तुम्हारे लिए ज़रूर पिज़्ज़ा ला कर दूँगा, पर अभी मुझे जाना होगा। तुम मेरा इंतज़ार इसी लिफ्ट में करना, मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा। और तुम परेशान मत हो, तुम मुझे आगे भी बता सकती हो। तुम्हें अगर कुछ और खाने का मन हो तो मुझे प्लीज़ बताना चुड़ैल बहन, और तुम अपने बच्चों को भी लेकर आना। थैंक यू भैया, आप ही हैं जो मुझसे पिज़्ज़ा ला के देने का वादा कर रहे हैं। मैंने तो सारी लिफ्ट में सबको डराया, सबसे बोला कि मुझे पिज़्ज़ा ला कर दे दे, पर किसी ने मुझसे वादा नहीं किया लाने का और ना ही कोई मुझसे डरता। प्लीज़ भैया, आप मुझे पिज़्ज़ा ला कर दिए और मैं आपका इंतज़ार बिल्डिंग के बाहर करूँगी, और मैं अपने बच्चों को भी लाऊंगी आपसे मिलवाने। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।